आज ही सब्सक्राइब करें निवारण टीवी को और पाइए मनमोहन आचार्य जी से सभी दुखों के निवारण। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको ऋषि आर्यभट्ट जी ने जिन्होंने गणित की खोज की थी, उन्होंने इस गणित को आध्यात्मिक बाद से जोड़कर बनाया और वह गणित हमारे पूरे 100 साल के जीवन पर फलित है। मेरा प्रयास है आपको मैं उस बारे में बता सकूं और आप उसका अपने जीवन में लाभ उठा सकें। जब मनुष्य पैदा होता है, जन्म से लेके 10 वर्ष तक वो अपने माता पिता के साथ रहता है, अपनी बाल लीलाएं करता है और माता पिता, दादी बाबा, जो भी परिवार के लोग होते हैं, उसकी शैतानियों को देखकर पुलकित होते हैं, आनंद लेते हैं। और जब वह बालक 11 से लेकर के 18 तक जो वर्ष होते हैं, उनमें सब में रह का शब्द आता है कि 11 का अर्थात गुरु के पास रहे। और 11 से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु में आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वजों में, चाहे राजा के पुत्र हों, चाहे स्वयं भगवान ही क्यों न हो, सब गुरुओं के आश्रम में जिस प्रकार गुरुकुल में जाते हैं, उस प्रकार 11 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक गुरु की शरण में रहते हैं और वहाँ शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं। उसके बाद और जो 19 की संख्या आती है, उसमें ईश्वर जुड़ जाता है, ईश शब्द आ जाता है। 19 से 48 तक जो भी संख्याएं आती हैं, उसमें ईश्वर विराजमान हो जाता है। यानी कि हमें 19 वर्ष में जब हम जाते हैं, हमारा ये गणित हमें संदेश देता है कि 19 वर्ष से लेकर के 48 वर्ष तक की आयु में हमें अपने कर्म भूमि, जिसमें हमने व्यापार भी करना है, शादी संबंध भी करने हैं, बच्चे भी करने हैं, अन्य प्रकार की जिम्मेदारियों को पूरा करना है, लेकिन ईश्वर को ध्यान में रखकर करना है, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करना है। इस प्रकार हमें संदेश ऋषि आर्यभट्ट जी का गणित के द्वारा हमें मिलता है। फिर आ जाता है 49, 50। हमारे गुरुजी बताते हैं आस शब्द का मतलब है, अर्थात पिछले किए हुए कर्मों को याद करना। जब हमारी 49-50 साल की उम्र होती है, उस समय हमें ये संकेत मिलता है कि हमें अपने पिछले किए हुए कर्मों को याद करना चाहिए कि हमने ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किए अथवा हमने मौज उड़ाई, हमने अनन्य प्रकार के दुष्कर्म किए, क्या किया, उस बारे में हमें विचार करना चाहिए। फिर आती है 51 से लेकर के 58, 51, 52, 53, 54, 55। इसमें वन शब्द का सब उच्चारण होता है। तो हमारे ऋषि मुनि के गणित के आधार पर हमें ये संकेत मिलता है, हे मनुष्य, जब 51 वर्ष का हो जाए तो घर में भी रहे, लेकिन एक वानप्रस्थ की तरह रहना चाहिए। जैसे हमारे संत लोग आश्रमों में रहते हैं, वन में ही विचरण करते हैं, वहाँ साधनों का अभाव होता है, अर्थात घर में रहकर भगवान का चिंतन करो और जो मिल जाए उसको स्वीकार करो, जो पहनने को मिल जाए उसको धारण करो, जैसा भोजन प्राप्त हो जाए घर में उसको स्वीकार करो। ये नहीं कि हमने देखा है बुजुर्गों को खाना आया और भोजन की थाली सामने रखी है और एक गस्सा तोड़ा, आज तो इसमें नमक बहुत है, आज तो इसमें मिर्च बहुत है। और कई बार तो ऐसे भी लोगों को देखा है कि थाली फेंक देते हैं और अन्न का अनादर भी करते हैं। ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसे ना करें, क्योंकि ये गणित ये ऐसे ही नहीं बनाया है। हमें अपना जीवन संवारने के लिए इस गणित में संख्या की गणना की गई है, जो हमारे जीवन पर आधारित है। और इस प्रकार हमें एक संत की भांति गृहस्थ में रहते हुए भी एक वानप्रस्थी की भांति हमें रहना चाहिए, ऐसा ये हमें संकेत देते हैं। और इस प्रकार ये 51 से लेकर 58 तक संख्या आती है और उसके बाद फिर हमें चेतावनी देते हैं। 59, 60, 61, 62, इस प्रकार 68 तक ये संख्या आती है। और हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि 60 माने मूर्ख को कहा जाता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि 60 अर्थात मूर्ख बार बार चेतावनी देते हैं, अरे मूर्ख, अगर अभी भी तूने अपने जीवन को इस गणित के आधार पर नहीं चलाया है तो अभी भी समझ जा। फिर 69 आ जाता है, 69, 70, 71, 72, इस प्रकार ये 78 तक फिर संख्या आती है। और इस संख्या के बाद शब्द आता है तर, अर्थात अभी भी तूने अपने साधन कुछ नहीं बनाया है प्रभु मिलन का, अब भी शरणागति हो जा, अब भी अपने तरने के साधन बना ले। तुझे इस पार से उस पार जाना है, जाना निश्चित है, लेकिन जो कर्मणा नदी पड़ेगी बीच में, वहाँ आपसे पूछा जाएगा
कि आपने वहाँ क्या कर्म किए, उसी हिसाब से आपको वहाँ पर ईश्वरीय न्याय अटल है, सत्य है, उस आधार पर वहाँ जब दंड मिलेगा तो वहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। वहाँ ये नहीं चलेगा यमदूत आएंगे और पूछेंगे कि आपने क्या किया, वहाँ आप कहोगे कि मुझे समय नहीं मिला, मैं अपने बाल बच्चों को पालने में लगा रहा, मैं सिनेमा देखने में लगा रहा, मैं और अन्य चीज़ों में लगा रहा, ऐसा वहाँ बहाना चलने वाला नहीं है। इस प्रकार 69 से 78 तक हमें ये फिर वार्निंग मिलती है कि अभी भी तरने के साधन बना ले, और फिर आ जाता है 79, 80, 81, 82 और इस प्रकार वो 89 तक संख्या आती है। फिर चेतावनी दे रहे हैं कि हर अंक के बाद सी शब्द का मतलब है अभी भी सीख ले, अगर अभी भी कोई साधन तरने का नहीं बनाया है तो किसी गुरु की शरण ले ले, प्रभु की प्राप्ति का कैसे साधन बनाया जाता है उसका नाम जप ले। मेरे प्रेमियों, इस पर विचार करो, यह गणित हमें सिखाता है जीवन जीना। इस प्रकार 89 तक चलने के बाद फिर भी हम नहीं सीखते, फिर आ जाता है 90। 90 का अर्थात मानव का झुक जाना धरती की ओर, जैसे कि आप देखते हैं 90 वर्ष की आयु में पहुँचते पहुँचते कमर झुक जाती है, लाठी हाथ में आ जाती है, और उस समय मनुष्य ये सोचता है कि मेरी जवानी कहाँ गई। ये समय सबके साथ आता है, इसलिए इस गणित को समझो। और उसके बाद फिर 91, 92, 93 इस प्रकार 99 तक फिर उसके अंदर मैं आ जाती है, क्योंकि निकट समय आ जाता है और उसके अंदर मैं जैसे बकरा कटने से पहले मैं करता है, उस प्रकार ये मानव भी मैं करता है। अपने चार पड़ोसियों को भी बुला लेंगे, अपने परिवार को बिठा लेंगे, और ऐसा आपने सुना भी होगा, हमारे बुजुर्ग करते भी हैं, सबको बुला करके फिर अपनी पूरी मैं निकालेंगे, मैंने अपनी जवानी में ये किया, मैंने जवानी में वो किया, मैंने उसके साथ ऐसा किया, उस मैं को ख़त्म नहीं कर पाते हैं, और लास्ट में 99 के बाद फिर 100 आ जाता है, उस काल के गाल में सो जा। इस प्रकार ये प्रेमियों, ये गणित ऋषि आर्यभट्ट जी ने बनाया और हमारे गुरु महाराज जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में इसकी व्याख्या की। मुझसे जैसी भी बनी मैंने आपको यह गणित सुनाया। मेरे शब्द बेशक थोड़े अटपटे हो जाएं, लेकिन आप इसका अर्थ अपने जीवन में बहुत ही चिंतन करके आप सोचना इस बारे में, और आप इसका लाभ उठाएंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझाएं। जो लोग कहते हैं ये भजन पूजा सब ये बुढ़ापे के काम हैं, उन प्रेमियों से मैं कहना चाहता हूँ कि जब बुढ़ापे में आँख से दिखाई नहीं देगा, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, जाने आने की तकलीफ़ हो जाएगी, उस समय आप क्या करोगे। इसलिए इसमें उम्र का कोई भेदभाव नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सदैव उद्योग करते रहना चाहिए। हमारे यहाँ ध्रुव ने बचपन में ही परमात्मा को प्राप्त किया, प्रहलाद ने बचपन में ही प्राप्त किया प्रभु को, ऐसा नहीं है। आप बचपन से, जब आपको कहीं से प्रेरणा मिल जाए आध्यात्म की, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की शरण में रहें और सदैव उस परमात्मा का चिंतन करें। जय श्री राधे, जय गुरुदेव।